नासिर मलिक साहब, कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें आज अपना कीमती टाइम दिया। 2020 का फर्स्ट कप शो है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे प्लीज? कप मैच बेसिकली एक इनफॉर्मल इवेंट है और इट्स मोर ऑफ अ गेट टुगेदर। जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए गेट टुगेदर का सॉर्ट ऑफ अ पिकनिक। इसके कोई रिजल्ट्स जो हैं वो डॉग के कैरियर में या उस मैटर नहीं करते हैं, लेकिन एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन मिल जाता है, हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। स्पेशली आजकल COVID-19 के सिनेरियो में हम लोग मिस कर रहे थे, क्योंकि बड़े इवेंट्स अभी पॉसिबल नहीं थे बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस कि हम उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो हमने सोचा कि एक ये SOPs को फॉलो करते हुए एक कप मैच को हम ऑर्गेनाइज करें ताकि सब लोगों से मुलाकात हो सके, जो कि पूरा साल अपने डॉग्स पे मेहनत भी करते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एटलीस्ट वो जो हम मिस करते हैं शो रिंग का एनवायरनमेंट, वो सबको प्रोवाइड किया जा सके। तो दिस इज़ अ इनफॉर्मल इवेंट। जैसे कि आप सर गन डॉग में एज अ प्रेजिडेंट वर्किंग कर रहे हैं, आपकी ज़्यादा स्पेशलिटी कौन सी ब्रीड्स में है? मैं जर्मन शेपर्ड में भी काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ और अपने डॉग्स को हमेशा शो करता हूँ, लेकिन मेरी जो सबसे फेवरेट ब्रीड है वो लैब्राडोर है, विच इज़ अ गन डॉग ब्रीड। मेरे पास पॉइंटर्स भी हैं। एंड सेकेंडली आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ के मुझे KCP ने एक काबिल समझा कि मुझे इलेक्ट करें एज अ प्रेजिडेंट। तो बींग अ प्रेजिडेंट मेरी जॉब है कि मैं उसको प्रमोट करूँ, मुझे ब्रीड भी वो पसंद आएँ। और हमारे मुल्क में यही तीन ब्रीड्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जिसमें जर्मन शेपर्ड हैं, लैब्राडोर्स हैं और पॉइंटर्स हैं। तो उस लिहाज से हमें मोस्ट ऑफ द फैंसियर्स जो हैं उनका भी रुझान आइदर जर्मन शेपर्ड और गन डॉग ब्रीड्स का ज़्यादा है। इसके अलावा ग्रुप 9 टॉय ब्रीड्स भी हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर ब्रीड्स हैं। और बीइंग अ प्रेजिडेंट दिस इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी एंड माय जॉब टू प्रमोट दिस क्लब एंड दिस ब्रीड। सर आपने इस जर्नी को कब से स्टार्ट किया था? ये जो पैशन और जो एक्सट्रीम लेवल कब से आपके माइंड में था? एक्चुअली आई पर्सनली बिलीव यू आर बॉर्न विद इट, आइदर यू हैव इट और यू डोंट। मुझे बचपन से आई एम एन एनिमल लवर और मैंने हमेशा से वी हैव केप्ट डॉग्स, माई फादर यूज टू कीप डॉग्स। लेकिन उस वक्त मैं ज़्यादा शोज़ में इन्वॉल्व नहीं था। शोज़ में मेरी इन्वॉलमेंट जो है 2015-16 से, बट आई हैव ऑलवेज केप्ट डॉग्स। मेरे घर में हमेशा डॉग्स हमारे फैमिली का हिस्सा रहे हैं और मैं उनको हमेशा अपनी फैमिली की तरह प्यार भी करता हूँ। मुझे अपने विरसे में अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से भी ये चीज़ मिली है। तो हमारे घर में डॉग्स जो हैं वो पार्ट ऑफ द फैमिली हैं। और लाइक आई सेड, मुझे बचपन से ये पैशन है, शौक है, और अभी मैं ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ शोज़ में। और लाइक यू सेड, आई एम प्रेजिडेंट ऑफ अ क्लब ऑल्सो, तो उस लिहाज से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा भी है। सर ऐसा देखा गया है कि आपकी डॉग्स के साथ जो बॉन्डिंग है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। लेबर होने के बावजूद आप उनकी फीडिंग, ग्रूमिंग और केयर खुद से करते हैं। लाइक आई सेड, मेरा ये पैशन है, बच्चों की तरह वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ खुद काम करूँ और उनके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, एंड दैट्स द होल पर्पस। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, बट देन अगेन बहुत सारे लोग हैं जो बड़े पैशनेट हैं इस हॉबी के मुतालिक और अपने डॉग्स के मुतालिक। तो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उनमें से हूँ जो अपने डॉग्स को अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं। सर ये जो ग्राउंड की फैसिलिटीज़ जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है और SOPs के साथ है। इसकी मॉनिटरिंग आप खुद से कर रहे हैं? जी आई एम एक्चुअली पार्ट ऑफ बैरियट्रॉन ग्रुप। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अली रियाज मलिक साहब, वो खुद भी डॉग लवर है। मलिक रियाज हुसैन जो चेयरमैन बैरियर टाउन है, वो खुद भी बड़े डॉग लवर हैं, तो वो बड़े हैप्पीली कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दिस कॉज। और उनकी हमेशा कंट्रीब्यूशन है जर्मन शेफर्ड क्लब के लिए भी, गन डॉग्स के लिए भी, बाकी ब्रीड्स के लिए भी। और बैरियर टाउन के अपने जूज भी हैं, हमारे अपने कैनल्स भी हैं यहाँ पे। तो मलिक साहब की, अली रियाज साहब की पूरी सपोर्ट है हमें इस चीज़ में। जानवरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़ा उनके लिए वो कंट्रीब्यूट करने के लिए देर ऑलवेज रेडी। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगेन मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ। हु इज योर मेंटोर पर्सन? मेंटोर जी पाकिस्तान में हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं। आई थिंक वी आर वेरी लकी, हमारे पास कर्नल रॉय साहब जैसे एक्सपीरियंस सीजनड जजेस भी हैं और वो KCP के प्रेसिडेंट हैं। इमरान हुसैन साहब हैं, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। इस समवन आई रियली लुक अप टू। और इसके अलावा भी लोग हैं, लेकिन ये दो पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ और मैं दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू नासिर मलिक साहब फॉर द वेरी वंडरफुल टाइम। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।